फ्लाइट हाईजेक करने की धमकी देने वाले युवक को पकड़ने के लिए भोपाल एटीएस की टीम सुजालपुर पहुंची। एटीएस और सुजालपुर पुलिस ने सुजालपुर में जिला सहकारी बैंक के पास रहने वाले उज्जवल जैन को गिरफ्तार किया। एटीएस और सुजालपुर पुलिस के द्वारा एसडीओपी ऑफिस में उज्जवल जैन से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उज्जवल जैन ने किसी भी तरह का फोन करने से साफ इनकार कर दिया। फ्लाइट हाईजेक करने की धमकी मिलते ही भोपाल एटीएस सक्रिय हो गई थी। संदिग्ध फोन करने वाले युवक की मोबाइल लोकेशन सुजालपुर में मिली थी। एटीएस ने सुजालपुर पुलिस को सूचना दी। एसडीओपी विजय शंकर द्विवेदी ने लोकेशन के आधार पर उज्जवल जैन को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि भोपाल एटीएस ने संदिग्ध उज्जवल जैन से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसने नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिससे पुलिस का शक और भी पक्का हो गया। इधर पुलिस जब उसके घर लेने पहुंची तो पुलिस के कहने पर भी वह अपना मोबाइल न ले जाकर अन्य मोबाइल अधिकारियों के साथ लेकर गया। संदिग्ध युवक उज्जवल जैन का कहना था कि वह बैंक कंपनियों के आने वाले फोनों से परेशान है, इसलिए उसने एटीएस के द्वारा किए गए कॉल को रिसीव नहीं किया। इधर सुजालपुर पुलिस का कहना है कि युवक पर चोरी की बाइक खरीदने का मामला दर्ज है। बताया जाता है कि संदिग्ध उज्जवल जैन की माताजी शासकीय शिक्षिका भोपाल में पदस्थ हैं। फिलहाल एटीएस और सुजालपुर पुलिस के द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला हाईजेक का संदिग्ध बना हुआ है। इधर भोपाल एयरपोर्ट पर भी इस मामले को लेकर सरगर्मी बनी रही। सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी रही। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।